हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम विद मैग्नीशियम। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जनरल बातें बताना चाहूँगी। तो जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में एल्कली मेटल्स की पीरियडिक डिस्कशन भी कराया है और एबनॉर्मल बिहेवियर भी कराया है, अभी इसका जो लास्ट टॉपिक है एल्कली मेटल्स का, ये है हमारा डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम विद मैग्नीशियम। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी ब्लॉक की एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वहाँ हमें तीन क्वेश्चंस ये ज़रूर करने होते हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमें देना होता है पीरियडिक डिस्कशन, यानी कि जिस भी ग्रुप या जिस भी ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं वहाँ हमें पीरियडिक डिस्कशन करना होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा वहाँ से निकलता है वह निकलता है एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ सम एलिमेंट्स, यानी कि जो भी हमारे एलिमेंट्स एबनॉर्मल बिहेवियर रखते हैं उन एलिमेंट्स का एबनॉर्मल बिहेवियर। और लास्ट क्वेश्चन हमारा जो बनता है किसी भी ब्लॉक में से, वो बनता है हमारा डायगोनल रिलेशनशिप किसी किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें आपको सीरियल वाइज करनी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पीरियडिक डिस्कशन एक्सप्लेन करना होता है, वहाँ से कुछ पॉइंट्स आप यूज़ करोगे एबनॉर्मल बिहेवियर वाले टॉपिक में, फिर एबनॉर्मल बिहेवियर वाले टॉपिक से आप कुछ पॉइंट्स यूज़ करोगे डायगोनल रिलेशनशिप वाले टॉपिक में, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करा रही हूँ ये चीज़ें। तो हमारा यहाँ पे आज एल्कली मेटल्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर एस ब्लॉक एलिमेंट्स की मैं बात करूँ तो आता है एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो आपको करना क्या है, ये टॉपिक मैं कंप्लीट करा दूंगी आज। आपको सिर्फ इतना करना है, आपको एल्केलाइन अर्थ मेटल्स को एक बार रीड करना है, लर्निंग करना है, रीड करना है, उसको अच्छे से समझना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो देखने के तुरंत बाद आप मुझे इस बारे में बताएं, नहीं तो मैं अगली जो वीडियो अपलोड करूँगी वो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की ही करूँगी। अदरवाइज़ अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो मैं फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर आऊँगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, वीडियो के देखने के तुरंत बाद आपको मुझे ग्रुप में आके ये बताना है कि मुझे एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कराना है या पी ब्लॉक एलिमेंट्स कराना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम विद मैग्नीशियम। तो डायगोनल रिलेशनशिप होती क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना ज़रूरी है कि डायगोनल रिलेशनशिप होती क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है देने की। तो किसी ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट जब किसी दूसरे जस्ट उसके बराबर वाले ग्रुप के सेकंड एलिमेंट्स के साथ कुछ सिमिलैरिटीज शो करता है तो इस रिलेशनशिप को हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे अगर मैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं तो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स में दो ग्रुप्स आते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकेंड ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप में हमारे आते हैं एल्कली मेटल्स जिसका फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम, और सेकेंड ए ग्रुप में हमारे एलिमेंट्स आते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स जिसका सेकेंड एलिमेंट है मैग्नीशियम। तो यानी कि फर्स्ट ए ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड ए ग्रुप के सेकेंड एलिमेंट के साथ जो सिमिलैरिटी शोज करता है उसको हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। तो डायगोनल रिलेशनशिप में हमें जस्ट इन दोनों एलिमेंट्स की कुछ सिमिलैरिटीज़ बतानी होंगी, क्योंकि आप ये जानते हैं कि प्रत्येक ग्रुप की एक अपनी अलग मतलब कि अलग पहचान होती है, यानी कि ग्रुप के सभी एलिमेंट्स सब एक तरीके से बिहेव करते हैं कुछ एक को छोड़कर। बट अगर कुछ एलिमेंट की सिमिलैरिटी अदर ग्रुप के एलिमेंट के साथ शोज हो तो इसको हम डायगोनल रिलेशनशिप में दिखाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लिथियम शोज रिसेम्बलेंस विद द डायगोनली प्लेस्ड एलिमेंट मैग्नीशियम, ठीक है। तो वही मैंने आपको बताया है कि एक ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड ग्रुप के सेकेंड एलिमेंट के साथ जो सिमिलैरिटी शोज करता है उसको हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। तो इसलिए इन्होंने दिया है लिथियम शोज रिसेम्बलेंस विद द डायगोनली प्लेस्ड एलिमेंट मैग्नीशियम, ठीक है। ये इस तरीके से प्लेस होता है, यहाँ हमारा लिथियम आता है और यहाँ हमारा मैग्नीशियम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स। तो आपको पॉइंट इसी तरीके से देने हैं जैसे मैं आपको दे रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट है एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। तो इसमें आपको क्या लिखना है, द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। ये मैंने लैंग्वेज में नहीं लिखा है, डायरेक्ट इसके एग्जाम्पल दिए हैं। तो अगर मैं लिथियम की एटॉमिक रेडियस की बात करूँ तो ये 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है, जो जस्ट सिमिलर होता है मैग्नीशियम की एटॉमिक रेडियस के। इसी तरीके से लिथियम आयन की मैं आयनिक रेडियस जो होती है 0.60 एंगस्ट्रॉम होती है, जो कि सिमिलर होता है मैग्नीशियम की आयनिक रेडियस के, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमें यही देना होगा कि द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। सेकेंड, द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ बोथ इज ऑलमोस्ट सेम, दैट इज़ कि दोनों एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है वो लगभग बराबर होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
ऑफ बोथ द एलिमेंट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, दैट इज़ कि दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होती है। जैसे लिथियम की अगर मैं बात करूँ 1.0 होगी और मैग्नीशियम की 1.2, यानी कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है वो इक्वल होती है या सिमिलर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्ड मेटल्स। तो ये आपको पता ही है कि लिथियम जो है अपने ग्रुप का हार्डेस्ट मेटल है, इसी तरीके से मैग्नीशियम भी हार्ड है, यानी कि यहाँ भी ये कुछ सिमिलैरिटी दिखाते हैं, दोनों क्या है हार्ड मेटल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बोथ आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, विच मीन्स कि जो इनका हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बताया है तो ये क्या होते हैं लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं दोनों ही एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ भी ये सिमिलैरिटी शोज हुई है। नेक्स्ट है हमारा बोथ कंबाइंड डायरेक्टली विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड्स। तो मैंने अपने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि लिथियम नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिखाता है और लिथियम नाइट्राइड बनाता है। सेम इसी तरीके से मैग्नीशियम भी नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन के द्वारा मैग्नीशियम नाइट्राइड बना लेता है। ठीक है, और इन दोनों के ही नाइट्राइड्स जो होते हैं मतलब कि ईजिली डिकम्पोज हो जाते हैं वाटर के द्वारा और अमोनिया देते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन दी है हमने लिथियम नाइट्राइड की वाटर के साथ, तो अमोनिया बनता है और लिथियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से मैग्नीशियम नाइट्राइड की दी है वाटर के साथ और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया बनती है। ठीक है, अब ये जो हमारे हाइड्रोक्साइड बने हैं ये यहाँ पर हमारा एक पॉइंट मेरे लास्ट लेक्चर से फिर से आया है। तो वहाँ पर मैंने कहा था कि द हाइड्रोक्साइड ऑफ लिथियम आर वीक बेस एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग। तो इसी तरीके से हमें यहाँ कहना होगा द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर वीक बेसिस एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग। ठीक है, तो लिथियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं दोनों वीक बेस होते हैं और ईजिली डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, हीट करने पर। नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट रिएक्शन दी है, इसमें आपको लिखना है द कार्बोनेट्स ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिकम्पोज ऑन हीटिंग। ठीक है, यानी कि लिथियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स भी ईजिली डिकम्पोज हो जाते हैं हीटिंग हीट देने पर। ठीक है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड लिथियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन भी हमारी वहीं से आई है और आपको यहाँ पे ये वाली रिएक्शन ऐड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द नाइट्रेट्स ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिकम्पोज ऑन हीटिंग। तो ये पॉइंट भी हमारा लिथियम वाला एबनॉर्मल बिहेवियर से ही आया है, यानी कि मैंने वहाँ पर बताया था कि लिथियम नाइट्रेट जो होता है वो इजीली डिकम्पोज हो जाता है गर्म करने पर और NO2 और Li2O देता है। ठीक है, विद द एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरीके से मैग्नीशियम की भी रिएक्शन दिखाई है हमने, मैग्नीशियम भी इजीली डिकम्पोज हो जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड NO2 और O2 में टूट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा नंबर 10 पॉइंट द फॉर्मेट्स ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम ऑन हीटिंग गिव फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये फॉर्मेट वाला पॉइंट भी कहाँ से आया है, ये पॉइंट भी मेरा लास्ट लेक्चर से आया है कि लिथियम के जो फॉर्मेट होते हैं इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं और फॉर्मेल्डिहाइड को फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैग्नीशियम फॉर्मेट भी हीट देने पर डिकम्पोज होंगे और मैग्नीशियम कार्बोनेट और फॉर्मेल्डिहाइड बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत सिंपल था ये हमारा डायगोनल रिलेशनशिप, क्योंकि इसमें लिथियम के सारे पॉइंट्स कहाँ से आए थे, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम से। ठीक है, मैग्नीशियम के हमने यहाँ पर ऐड किए हैं। तो इसी वे में आपको किसी भी डायगोनल रिलेशनशिप को अगर आप बताना चाहते हैं तो आपको इसी तरीके से पॉइंट्स देने हैं। कुछ सिमिलैरिटी आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में दिखानी है और कुछ सिमिलैरिटीज़ आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ में दिखानी है। तो आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि शॉर्ट नोट में आ जाता है और इम्पोर्टेंट भी है और करना तो हमको है ही, क्योंकि अगर हम किसी ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो हम उसको कम्प्लीटली स्टडी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कल मैं आपको या तो एल्किलाइन अर्थ मेटल्स की लेक्चर दूंगी, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाऊँ तो आप मुझे बता देना। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।